तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो शारजा रमदान T10 लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच, और भाई ये पहला मैच है ना, ये क्वार्टर फाइनल मैच है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से जो भी टीम हारेगी ना वो सीधा बाहर होती चली जाएगी, और जो भी टीम जीतेगी ना वो फाइनल खेलने के या फिर फाइनल जीतने के और भी ज़्यादा नज़दीक जाती जाएगी। तो यहाँ से एक तरह से आप मान सकते हो कि नॉकआउट मैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो मैच है वो खेला जाएगा एसके एसेट स्टार्स वर्सेस कोलेटा चॉकलेट्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे ना तो इस मैच की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, दोनों टीम्स के प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ भाई क्या यहाँ पर कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और क्यों रहेगा, एक एक चीज बताऊंगा, कौन सा प्लेयर आपके लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकता है, बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, बॉलिंग में दो ओवर कौन डाल रहा है भाई, क्योंकि T10 मैच है तो दो ही डालेगा भाई T20 में चार, तो एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो चलिए भाई अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखने के साथ साथ एक काम आपको और भी करना है, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी फुल एंड फाइनल टीम होगी ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सर्च कैसे करना है, देखिए या तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप @KPM321 सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सेम भाई यही तरीका है हमारे चैनल को ज्वाइन करने का, सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर बात करें, देखिए क्वार्टर फाइनल मैच है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहला क्वार्टर फाइनल मैच है जो कि खेला जाएगा SKZ स्टार्स वर्सेस कोलेटा चॉकलेट्स के बीच में। टाइम की बात करें तो अब से लगभग 3 घंटे बाद मैच खेला जाएगा 9:45 पर। वहीं अगर बात करें यहाँ पर दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज की परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर हम देख रहे थे दोनों टीम्स ने लास्ट मैचेज में क्या कुछ किया हुआ है। तो कोलेटा चॉकलेट्स की बात करें तो MGM की टीम को लास्ट मैच में हरा के आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें कोलेटा की सबसे पहले बैटिंग की, तो आप देख सकते हो 10 ओवर में काफी अच्छा रन बनाए थे भाई इन्होंने। यहाँ पर सिंटो जॉर्ज की बात करें तो कुछ खास नहीं कर पाए थे। रंजीत मानी की बात करें 15 बॉल पर 27 रन, जनागा चतुरंगा ने 5 बॉल पर 15 रन, इसके अलावा मोहम्मद अजमल 2 डाउन आए थे। यहाँ पर आप बैटिंग ऑर्डर जरूर ध्यान में रखिएगा भाई, बैटिंग ऑर्डर आप लिख भी लीजिए, GL में आपके बहुत काम आएगा। अखिल दास की बात करें तो 18 बॉल पर 28 रन इन्होंने बनाए थे, इसके अलावा भाई यहाँ पर नीचे आके 7 बॉल पर 20 रन बनाए थे हरी प्रशांत ने। वहीं अगर बात करें इनकी गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी भी काफी अच्छी रही थी। यहाँ पर मनप्रीत सिंह ने 2 ओवर डाले 2 विकेट निकाले, मोहम्मद जीशान भट्ट ने 2 ओवर डाले 2 विकेट निकाले, अब्दुल सफर ने 1 ओवर डाला 2 ओवर डाले और 1 विकेट निकाला। इसके अलावा भाई मोहम्मद अजमल ने 2 ओवर डाले और विकेट लेस गए। शाम रमेश भी 2 ओवर में ऐसे विकेट लेस गए थे। लेकिन भाई यहां से आपके लिए जो देखने वाली बात वो है मोहम्मद अजमल और शाम रमेश, दोनों बैटिंग में भी अच्छे खासे पोजीशन पर आ रहे हैं और भाई यहाँ पर बॉलिंग में भी आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे ओवर डाल रहे हैं। तो GL के लिए तो ये दो पिक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है इस टीम की तरफ से। अब अगर SKZ की टीम की बात करें तो ये भाई अपने लास्ट मैच में काबुल जालमी की टीम को हरा के आ रही है। इन्होंने भाई यहाँ पर 10 ओवर में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। खलीलुर रहमान ने 23 बॉल पर 54 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ से कैफ रमजान की, तो आप देख सकते हो जल्दी आउट हो गए थे। मोहम्मद सलीम की बात करें तो 14 बॉल पर 29 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई यहाँ पर 18 बॉल पर 30 रन बनाए रईस अहमद ने। इसके अलावा किसी ने कुछ खास किया नहीं बैटिंग में। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं इनकी गेंदबाजी की, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी। अब्दुल गफ्फार की बात करें 2 ओवर डाले विकेट लेस गए। हैदर अली ने 2 ओवर में 2 विकेट निकाले। सलमान सलीम की बात करें 2 ओवर में 3 विकेट। इसके अलावा जिक्रिया रमजान की बात करें तो 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले। रईस अहमद की बात करें तो 2 ओवर में विकेट लेस यहाँ से गए थे। अब रईस अहमद आपके लिए बैटिंग भी कर रहा है प्लस बॉलिंग भी कर रहा है, 2 ओवर की इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके अलावा आपके लिए एक चीज़ और बता दो, यहाँ पर कैफ रमजान भी अच्छी खासी भाई बॉलिंग करने के लिए जाना जाता है और आदिल मियो भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी बॉलिंग कर सकता है। तो ये भाई इनके तरफ से और कुछ बॉलर के मतलब बॉलिंग के ऑप्शन रहेंगे, हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने अपने 5 मेन गेंदबाजों से ही गेंदबाजी करवाई थी। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की। अगेन मैं मेरे भाई आपको याद दिला दूं, यहाँ पर आपको जो भी टीम की मैं बात करूंगा, जो भी यहाँ पर बातें होंगी वो सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात होगी, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो हरी प्रशांत को आप ट्राई कर सकते हो। एस मंगेश के यहाँ परफॉर्मेंस अभी तक ज्यादा कुछ खास
रह ही नहीं है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ से खलीलुर रहमान, सलमान सलीम इंपॉर्टेंट रहेंगे, रंजीत मानी मस्टअप भी रहेंगे, फरहान नजर को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जीएल मिनी जीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बात करें ऑलराउंड सेक्शन की तो कैफ रमजान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। शाम रमेश ने एक मैच में काफी खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी भाई, एक के दो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आदिल मियो की तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ऐसे रहेंगे, आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से भाई लक्ष्मण श्रीकुमार अगर खेलता है तो मस्टअप पिक रहेगा, ठीक है, अगर खेलता है तो मस्टअप पिक यहाँ से रहने वाला आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की तो बॉलिंग सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर भाई बॉलिंग में बैटिंग भी, बॉलिंग सेक्शन भाई बैट्समैन भी काफी ज्यादा है। अब्दुल गफ्फार हमारी टीम में रहेंगे, मनप्रीत सिंह, हैदर अली तीनों हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा भाई जो जिक्रिया रमजान है ये भी हमारी टीम में जरूर रहेंगे। इसके अलावा भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, नीचे चल के मोहम्मद ईशान भट्ट को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तो टीम हमारी कुछ इस प्रकार की रहेगी, जहाँ पर 5 गेंदबाज, 2 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन हमारी टीम में रहने वाले हैं। सीवीसी की बात करेंगे तो भाई नो डाउट कैप्टन हमारे यहाँ से रहने वाला है कप के खलीलुर रहमान। वीसी की अगर बात करें तो भाई आप यहाँ से कैफ रमजान के साथ जा सकते हो या फिर शाम रमेश के साथ जा सकते हो, ये दोनों काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, इन दोनों के साथ आप जा सकते हो। अभी के लिए मैं शाम रमेश के साथ जा रहा हूँ, फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजमेंट आपको करता नजर आऊँ, उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको एक बार सर्च करके फिर से बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे आपको @KPM321 सिंपली बस आपको इतना ही सर्च करना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।